बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमेर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, जिसका नाम है चिकन दांपो। चिकन दांपो ये चावलों के साथ खाया जाता है, तो आज हम बनाएंगे चिकन दांपो। तो उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैं उसके लिए माजत हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं चिकन दांपो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए होगा एक, जिसको हमने डीप कट्स ऑलरेडी से हमने उसको लगा लिए हैं। दही चाहिए होगा हमें, और मसालों में हमें चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, धनिया सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी चाहिए होगी, जीरा पिसा हुआ चाहिए होगा, काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए होगा। इसके लिए हमें सफ़ेद सिरका चाहिए होगा और चाट मसाला भी चाहिए होगा, और 3 अदद हमने लीमू का रस लेना है, उसमें मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ यहाँ कि जो ये मैरिनेशन के लिए मसाले तैयार करने लगे हैं वो सिर्फ चिकन के लिए हैं, राइस के लिए हम आपको अलहदा से इंग्रेडिएंट्स उसके जो है वो मैं बताऊंगा। तो हम सबसे पहले चिकन को रेडी करते हैं। तो हमें 1/2 कप दही चाहिए इसके लिए, आपके सामने है। इसमें हम मसाले जो है वो ऐड करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो चिकन है ये 1.5 kg का एक चिकन है, बड़े वाला साइज़ का मैंने चिकन लिया था। तो इसमें हम 1.5 जो है इसमें नमक डालेंगे, 1/2 कप दही में 1.5 नमक डाल दिया हमने, और इसके साथ साथ 1 teaspoon हमें लाल मिर्च चाहिए होगी पिसी हुई। इसके साथ ही हमें जो सूखा धनिया है पिसा हुआ 1 teaspoon, ये आपने सारा जो है दही में ऐड करना है इसको। इसके साथ ही हमने जो हल्दी है 2 teaspoon हम इसमें आपने हल्दी डालना, क्योंकि इसका कलर आता है इसमें। और इसके साथ हमने जीरा 1 teaspoon जीरा ऐड कर देंगे। काली मिर्च 1 teaspoon जी, इसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, पेपरिका पाउडर जो है वो 1 teaspoon आपने लेना, ये कलर देने के लिए है, इसको अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसी में आपने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर देना है, 2 teaspoon लहसुन और 2 teaspoon अदरक। और इसमें हम चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर देंगे 1 teaspoon, और इसके साथ सिरका जो था हमारे पास स्पेस सिरका 2 से 3 tablespoon, ये इसको जो है इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सारे मसाला जो है हमारे इसमें ऐड हमने कर दिए हैं, अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये आप देख सकते हैं मैरिनेशन के लिए हमारा जो मसाला जाते हैं वो सारे दही में ऐड करके हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको चिकन के ऊपर मैरिनेट करते हैं। इस तरह आपने इसको इसके कट्स में भी अच्छी तरह जो मसाला है वो ऐड कर देना है। हाथ से भी करेंगे, बस मैं अभी इसको इस तरह सारा लगा के इसको हाथ से भी हम अच्छी तरह से इसके मसाले जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने स्पून के साथ इसको लगा लिया, अब इसको हाथ से आपने अच्छी तरह से इसके जो कट्स हैं डीप कट्स उसके अंदर तक इसको ऐड करना है मसाले को। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बतानी है दांपो के लिए, जब आप चिकन लेने जाएं तो आपने यहाँ से उसको कट नहीं लगवाने। आप देख सकते हैं इसमें हम राइस जो है वो इसके अंदर हम सारे इसके अंदर पकाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ से कट नहीं लगाया, इसको बस इतना एक सुराख सा रहने दिया जिसमें हमसे इसको
जो राइस है इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुके हैं। अब आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जी व्यूअर्स, जब तक कि ये चिकन हमारा मैरिनेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि चावलों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चावल बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने 1/2 kg जो चावल है उसको हमने भगो दिया अभी से। नमक चाहिए होगा, सूखा धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा में साबुत चाहिए, इसके लिए हमें बादाम चाहिए, ये पहले से मैंने भिगो दिए थे, छिलका उतार लेना आपने बादामों का। उसके बाद काजू, इसके लिए हमें लाल मिर्च जो है साबुत चाहिए होगी, मोटी इलायची 3 से 4 अदद चाहिए होंगी, और लौंग, और इसके लिए हमें गाजरें भी चाहिए होंगी, पहले से मैंने बारीक कटिंग कर ली है, और 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, उसकी बारीक कटिंग आपने कर लेनी है। तो हम अभी राइस बनाएंगे, लेकिन जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो जाता है पहले हम चिकन फ्राई करेंगे फिर हम चावल बनाएंगे। जी भी बस 3 घंटे हो चुके हैं, तो हमने जो मैरिनेट किया था वो हम आप जो चिकन है अब हम उसको फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल हमने पहले ही रख दिया था तेज इसमें कढ़ाई में। अब इसमें हम इसको चरगे को जो है फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा चिकन फ्राई होता है अच्छी तरह से तो हम साथ साथ चावल भी रेडी करते हैं। चावलों के लिए हमने एक देचका ले लिया है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, ऑयल डालेंगे। हमारे पास जो है 1/2 kg चावल है तो हम इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें सबसे पहले हमारा जो बादाम और काजू हैं वो हम रोस्ट करेंगे इसमें रोस्टेड। जी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले जो हमारे बादाम हैं छिलके हमने उतार लिए थे इसमें हम इसको ये आप देख सकते हैं हमने सारे बादाम जो हैं इसमें प्लेट में निकाल के रख दिए। अब इसी में ही आपने इसी ऑयल में तो हमारा काजू है वो भी आपने रोस्ट करना है। इसी तरह आपने इसको जैसे हल्के हल्के ब्राउन होते हैं ये भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम जो हमारी गाजरें हैं बारीक कटी हुई वो भी हम इसी तरह इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम चावल बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गाजरें, बादाम और काजू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको आप रख दें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ये हम चावल बनाना स्टार्ट करते हैं अब इसमें लाल साबुत मिर्च, मोटी इलायची और जो हमारे लौंग हैं वो हम इसमें सोते करेंगे। इसके साथ ही हम जो प्याज है 1 अदद वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको सुनहरा ब्राउन आपने इसको करना है प्याज को भी। जी आप देख सकते हैं चावलों के लिए हम जो बना रहे हैं उसका प्याज जो हल्का हल्का सुनहरा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपने इसमें सूखा धनिया 1 teaspoon आपने इसमें ऐड करना है। 1 teaspoon आपने काली मिर्च वो इसमें ऐड कर देनी है और 1 teaspoon आपने ज़ीरा जो है साबुत सफ़ेद ज़ीरा वो आपने ऐड करना है इसमें चावलों में और चिकन क्यूब्स जो हैं ये भी आप इसमें ऐड करेंगे। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा राइस में। 2 अदद क्यूब्स आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह से प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें आपने 1 लीटर पानी जो है वो ऐड कर देना है क्योंकि हमारे जो चावल थे वो 1/2 kg थे तो पानी हमने 1 लीटर इसमें ऐड कर दिया। जब तक कि ये पानी उबलना शुरू होता है तो हम देखते हैं अपने चिकन हमारा फ्राई हो रहा था हमारा माशाल्लाह चिकन भी फ्राई हो गया। चूल्हा बंद कर देते हैं इसका और इसको एक
बोल में हम निकाल के या डिश में निकाल के रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा ये फ्राई हो गया है। अब जैसे ही हमारे राइस बनेंगे हम इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दम कुक के लिए हमारा चिकन भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम इसको अभी स्टीम करेंगे उसमें स्टीमर में। हमारे बादाम, गाजरें और काजू भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं चावलों के लिए कि चावलों के लिए पानी उबल रहा है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। इसको हम 80-90% हम पकाएंगे ताकि हमने चावल जो हैं वो चिकन के अंदर ऐड करने हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया है। अब क्या करना है आपने, इधर से आपने जो चावल है पहले वो जो हमने चिकन के अंदर ऐड करने हैं वो निकाल के एक बोल में रख लेते हैं। ये उतने हमने निकाल लिए, बाकी चावलों को आपने दम पे लगा देना है। जी व्यूअर्स, अब क्या करना है आपने, जो राइस है हमारे जो हमने निकाले थे दम से पहले थोड़ा 90% जो रेडी थे हमारे, अब उसको हम इस तरह इसमें आपने इसके अंदर इस तरह आपने भर लेने हैं चावल। ये चावल हमने भर लिए हैं। अब इसमें आपने काजू बादाम जो हैं वो भी इसमें थोड़े से इस तरह से इसके अंदर इसकी फिलिंग कर लेनी है, बादामों की भी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको अब हम क्या करेंगे, इसको आप सी भी सकते हैं या आपके पास कोई पिंस हैं या टूथपिक होती हैं वो आप इसके साथ स्टिक्स के साथ हम इसको इधर से बंद कर देंगे। अब आपको इस तरह से स्टिक्स मिल जाएंगी मार्केट से या किसी शॉप से, तो अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आप इसको पकड़ के एक साइड से इस तरह आपने इसको प्रेस करके इस तरह इसको बंद कर देना है। ये हमने बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको इसको आपने स्टीमर लेना है। स्टीमर में हम पानी डालेंगे सबसे पहले, फिर हम इसको स्टीमर में स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। 5-10 मिनट आपने प्रेशर लगाना है। जैसे हम स्टीमर में एक जग पूरा पानी इसमें ऐड करने लगे हैं, जी 45 मिनट हो चुके हैं स्टीम करते हुए हमें, तो आइए देखते हैं आप। आप देख सकते हैं कि इसके राइस भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आराम से ये टूट रहा है। ये हमारा बिल्कुल ये रेडी हो गया है दम पोक। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा दम पोक चिकन बिल्कुल रेडी है। ये आप इसको अरेबियन राइस का नाम भी दे सकते हैं, दम पोक भी कह सकते हैं, चिकन मंदी कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिश है, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आप टेस्ट करता हूँ इसको, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से वो चिकन अलहदा हो रहा है। जी माशाल्लाह, बहुत डिलीशियस बना है ये, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।